सबसे बढ़िया बात यह है कि टाइगर्स को रिस्पेक्ट काफ़ी मिला है, जो जो अवेयरनेस सोसाइटी में काफ़ी लैकिंग है टूवर्ड्स सेविंग टाइगर्स एंड ऑल. सो दैट इज़ वन. एंड टू, आई थिंक सीजी बहुत फैंटास्टिक है. जिस तरह से ये फिल्म बनाई गई है, अगर हम सिर्फ सीजी भी देखें उसका, तो द कमिटमेंट टू मेक दिस फिल्म इज ट्रिमेंडस. एंड आई थिंक इट्स अ फैबुलसली, इट वॉज फन फॉर मी टू वॉच. मुझे वाकई ऐसा लगा जैसे मैं सुंदरबन में घूम रहा हूँ, और मुझे जो सिनेमाटोग्राफी है वो भी बहुत अच्छी लगी. सो आई थिंक ऑल एंड ऑल रोर इज रोरिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू वॉच दिस. इट्स वन ऑफ अ काइंड फिल्म इन इंडिया मेरे ख्याल से, बिकॉज इतना अच्छा VFX, यू नो, आई थिंक इंडियन फिल्म में देखने को तो नहीं मिला है अभी भी. और ट्राई टू मैच द हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स एंड स्टिल कमेंडेबल ऑफ कमल सदाना. ऐसा एक कोशिश करना भी बहुत हिम्मत की बात है. इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म, थ्रिल पूरे टाइम फिल्म में है. एंड VFX देखो या आप साउंड देखो फिल्म का, इट्स वेरी रियल. और जो एंड क्रेडिट्स में दिखाते हैं कि हाउ दे कन्वर्टेड अ नॉर्मल टाइगर टू एन वाइट टाइगर, और वो इतना सुपरबली किया हुआ है कि फिल्म में पता ही चलता है कि ऐसा वाइट टाइगर नहीं है और सिर्फ एक नॉर्मल टाइगर है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. विजुअली बहुत ही गॉर्जियस फिल्म है सुंदरबंस. आई डोंट थिंक इस तरीके से सुंदरबंस दिखाया गया है पहले, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा कैप्चर किया है. VFX इज ऑल्सो एक्सेलेंट, विच इज़ बहुत रेयर होता है कि हमारी फिल्मों में VFX अच्छा हो, लेकिन बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा. अब मुझे ये काफ़ी आज के डेट पे बहुत बोलने में मज़ा आ रहा है पिक्चर हॉल के सामने कि जनता इस पिक्चर को बहुत पसंद कर रही है. मेरे पास ईस्टर्न रीजन के डिस्ट्रीब्यूटर के पास से फ़ोन आ रहा है या नॉर्थन डिस्ट्रीब्यूटर से कि लोगों को पुट इन टोटैलिटी, मतलब बोले इट्स एन एंटरटेनिंग मूवी, ये सबसे खुशी की बात है. देखिए पर्सनल हम शब्द अच्छा कर ही रहे, पूरी जोर से कोशिश की है, डायरेक्टर कमल सदाना, प्रोड्यूसर आबिश रिजवी, मी, अभिनव, ऑल ऑफ अवर को एक्टर्स, एवरीबॉडी. बट द थिंग इज जनता जनार्दन. तो मैं तो कहता हूँ कि ये पैसा वसूल फिल्म है, ये साबित कर दिया कि कल वीकडेज में भी अच्छा कलेक्शन था. हम लोगों को बहुत अच्छा रिव्यूज़ नहीं मिले चाहे कोई भी वजह हो, और ये अलग जॉनरे की फिल्म है, बट हम लोगों का स्टेडी कलेक्शन जा रहा है. हमारे पास ज़्यादा शोज़ भी नहीं है, तब भी आज मीडिया, जो मीडिया कह रहे थे पिक्चर अच्छी नहीं है, वही मीडिया कह रहे हैं कि नहीं, आज रॉर का कलेक्शन वीकडेज में जो है ये स्टेडी मेंटेन अगर कर दें तो वीकेंड वीकडेज में भी तो इसका कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा और आगे जाएगी. ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सब नई कास्ट है. मैं नया हूँ, मैंने काफ़ी देर से ऑन स्क्रीन पे कुछ टेलीविज़न पे काम नहीं किया था, उसके बावजूद लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी नए लोगों को लेकर हमें दिख रही है. लोग आ रहे हैं, आज भी ऑलमोस्ट 60-70% हाउसफुल था. सो आई थिंक जो लोगों को जवाब चाहिए था, यार एक अलग फिल्म क्यों नहीं बनती, एक हटके फिल्म क्यों नहीं बनती, हर जगह वो लड़की नाच रही है, रोमांस हो रहा है, तो उसका जवाब आपके सामने है.